हेलो बिशोर्स एक सवाल बहुत ही ज्यादा पूछा जा रहा था सारे उस की तरफ से सर बैचेस में जो कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं वो क्लियर तो हो रहे हैं जो क्वेश्चन डीपीपीज में मिल रहे हैं वो सॉल्व भी हो रहे बट अब हमें चाहिए एक्यूरेसी एंड उसके साथ साथ स्पीड तो उसके लिए हमें बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर और ये प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन कहाँ से मिले तो इसके ऊपर मैंने एक छोटा सा सेक्शन पहले भी बनाया था देखो आपके पास है ना आपके पास प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन का भंडार पड़ा हुआ है पंद्रह हजार से भी ज्यादा क्वेश्चंस है ना और सिर्फ क्वेश्चंस नहीं ओके ये सिर्फ क्वेश्चंस नहीं एग्जाम ऐसे वैसे क्वेश्चन नहीं एग्जामिनेशन के लेवल के हिसाब से एग्जामिनेशन के पैटर्न के हिसाब से आपके पास ये सारे के सारे कहा और कैसे इन क्वेश्चन को आपको बताऊंगा बट पहले आपको इन क्वेश्चन का इस्तेमाल करने से पहले एक चीज इंश्योर करनी है कि आपका सारा बेसिक सारे सब्जेक्ट्स के सारे जो टॉपिक्स है उनका सारा बेसिक क्लियर है तो उसके लिए आपने कोई भी एक बेसिक टू एडवांस बैच फॉलो कर चाहे आपने एम बैच स्टार्ट टू एंड पूरी फॉलो की है या फिर आप एस बी आई पीओ की अचीवर्स बैच पूरा फॉलो तो ये दोनों में से कोई भी एक बैच आपने स्टार्ट टू एंड कंप्लीट फॉलो कर रखी है या कर रहे हो तो ये कंटेंट जो आपके पास अवेलेबल है ये आप इसको अच्छे से कंटेंट कहां मिलेगा यह कंटेंट आपको मिलेगा बैंक महापैक के है ना बैंक महापैक जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि एक सब्सक्रिप्शन है जिसके अंदर आपको सारे के सारे कोर्स आज के डेट में मैं अगर बात करूं तो बैंक महापैक में कितने कोर्सेज है तीन फाउंडेशन कोर्सेज अभी चल रहे हैं तीन फाउंडेशन बेसिक टू एडवांस एम कंप्लीट हो चुका है एम के अलावा बेसिक टू एडवांस दो और एस बी आई पीओ अचीवर्स और उसके साथ एक फाउंडेशन कोर्स बेसिक टू मैं सिर्फ इन तीन courses, मैं बाकी कोर्स नहीं सिर्फ इन तीन कोर्सेस की बात अगर करूं तो केवल और केवल इन तीन कोर्सेस में बारह से तेरह ठीक सही ठीक सुना आपने यही तीन कोर्सेज में आपको बारह से तेरह हजार क्वेश्चन कैसे मिलेंगे और इन क्वेश्चन का इस्तेमाल कैसे करना है मान लो ये एम बैच है कि आपने कंप्लीट फॉलो कर लिया स्टार्ट टू एंड बेसिक टू एडवांस सारी चीजें इसमें से आपने पढ़ रखी है क्या आप दोबारा फिर से एक और बैच फॉलो करोगे करोगे तो कैसे करोगे ठीक है मान लो एम बैच आपने फॉलो कर ली है अब आपको अचीवर्स बैच कोई भी फाउंडेशन बैच आपकी हो चुकी है आपको Achievers का बेनिफिट अचीव ठीक है अब अचीवर्स में यहां पर जैसे आप देख रहे हैं, में, Achievers में inequality फिर से पढ़ाया है है, फिर से पढ़ाया है। तो ये lecture आप दोबारा फिर से कंप्लीट देखोगे क्या नहीं आप क्या करोगे इस लेक्चर के जो नोट्स है ये नोट्स डाउनलोड करोगे इस लेक्चर के एक नोट्स में कम से कम पच्चीस से तीस क्वेश्चन एक नोट है ना तो उस पच्चीस से तीस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे उनके आंसर्स भी यहां पे उन क्वेश्चंस सॉल्व करने के बाद इसके जो डीपीपीज़ है है ना इन चैप्टर्स पर जो डीपीपी है वो डीपीपी आप यहां पर एक लेक्चर इनइक्वालिटी के एक लेक्चर के पीछे आपको पच्चीस से पैंतीस यानी पच्चीस से चालीस क्वेश्चन प्रैक्टिस बाकी चैप्टर्स ब्लड रिलेशन की प्रैक्टिस ब्लड रिलेशन की दो क्लासेस है तो ब्लड रिलेशन के नोट्स आप सबसे पहले डाउनलोड करो ये हुए क्वेश्चन सॉल्व करोगे मैच करके फिर आप डी क्या करोगे सॉल्व करोगे से आप सारे बैचेस का कॉन्ट ए टू जेड सारे बैचेस का कंटेंट एक्सेस कर सकते अब इसमें दिक्कत ये है बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे थे सर हमने तो इंडिविजुअल बैचेस ही लिए है ना हमने एम बैच इंडिविजुअली लिया था विनर बैच इंडिविजुअली लिया था या फिर एस आई पी ओ अचीवर्स भी जो है वो इंडिविजुअल बैच ही लिए इतने भी लोगों ने इंडिविजुअल बैचेस लिए हैं तो अगर महापैक में एनरोल करना है बैंक महापैक का प्राइस है बैंक महापैक का प्राइस जो है ना वो है टू फोर डबल नाइन अगर आपने ग्यारह सौ रुपए का एस बी आई पी ओ अचीवर्स पहले से लिया है और आपको ये एनरोल करना है तो इतनी अमाउंट पे करने की क्यों नहीं है क्योंकि अभी ये ऑफर बाईस तारीख तक ही अभी क्या किया है हम लोगों ने जितने अमाउंट की आपकी बैच थी उतने अमाउंट के इक्विवेलेंट कॉइन्स आपके अकाउंट में जमा कर जैसे आप यहाँ मेरे अकाउंट में देख पा रहे हैं ये, ये मेरे अकाउंट में मैं आता हूँ मेरे अकाउंट में इधर कितने कॉइन्स दिख रहे हैं ट्रिपल नाइन कॉइन्स ना ऐसे आपकी बैच जितने भी वर्थ की थी जो भी प्राइस की आपकी बैच थी प्राइस के इक्विवेलेंट कॉइन्स को आप अपने एनरोलमेंट को अपग्रेड करने के लिए यूज कर सकते जैसे अभी आप यहां पर देख मेरे अकाउंट में महाविश्वास पैक का सब्सक्रिप्शन तो मुझे महाविश्वास पैक अगर बाय करना महाविश्वास पैक अगर मुझे बाय करना है तो मुझे महाविश्वास पैक का प्राइस दिख रहा है थ्री अब मैं क्या करूंगा ये मेरे पास जो नाइन ट्रिपल नाइन क्वाइंस है इनको प्राइस करूं प्राइस की मेरी बैच है वो प्राइस और बस डिफरेंस अमाउंट तो ये सिर्फ और सिर्फ 22 अप्रैल तक ही रहेगा ये क्वाइंस का बस प्रैक्टिस कर तो Yes offer cushible. Is it from my side in the sea? Oh, Thank you so much.